ऐसा है कि लोग प्रचार कर रहे हैं क्या मुमरा में विकास नहीं हुआ। देखो, लोगों ने 2009 में, 2014 में, 2019 में जब सांप को चुन के दिया तो लोग इतने अंधे हो गए थे कि अब सांप को चुन के ऐसी मतदान की इतने इतने भारी मतों से चुन के दिया कि लोगों के आंखों पे काला चश्मा लग गया था। ये देखो, ये सब बातें जब है ना, ये बेबुनियादी बातें बोल रहे हैं, ये झूठ बातें सब की लोगों में, आवाम में फैलाई जा रही है। देखो, मुमरा स्टेशन को आप देख लो, मुमरा का रेती बंदर का सर्विस रोड लोग आप देख लो, उसके बाद से रेती बंदर से लेके दत्तूवाड़ी तक का जो रास्ता कंक्रीटीकरण किया गया वो आप देख लो। मुमरा का जो रास्ता है, जो यहाँ से लेके मुमरा स्टेशन से लेके वाई जंक्शन तक जो दो तरफा था वो चौपदीकरण किया गया, चार रास्ते बनाए गए वो आप रास्ता देख लो। मित्तल का रास्ता आप देख लो, जो रास्ता बना है, जो कोविड के टाइम पे दोनों कब्रस्तान, अमृत नगर कब्रस्तान, कौसा कब्रस्तान बंद होने के बाद मित्तल कब्रस्तान में जो लोड आ गया था, जो वहाँ दफन विधि हुई, जब लोगों को दफनाया गया वो कब्रस्तान, उस वक्त हमको कितना काम है, आज भी लोगों काम आ रहा है वो कब्रस्तान आप देख लो। हॉस्पिटल आप देख लो, लाइब्रेरी कब चालू हो गई है, शादी खाने का काम चल रहा है, जो वाई जंक्शन से एरोली के लिए रोड है उसका मांग स्टेट गवर्नमेंट ने किसने की थी, और जो आज काम मुकम्मल होने के तौर पे, वाई जंक्शन का ब्रिज का काम आप देख लो, ऐसा नहीं है। और मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो मुमरा बॉम्बे कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे वहाँ तो हालात बहुत खराब थे, चलने के लिए रास्ते नहीं थे। मेरा दाबोलकल का रास्ता, मेरा मुमरा मार्केट का रास्ता, मेरा प्रकाश कॉम्प्लेक्स के अंदर का रास्ता, मेरा बॉम्बे कॉलोनी के अंदर का रास्ता, ये कौन कराया है? मैंने मेरे सरपरस्त सैयद अली अशरफ साहब से बात करके, मैंने अवार्ड साहब से सब करा के लिया हूँ। मेरे यहाँ पानी की तकलीफ थी, लोगों को पानी दो घंटे से तीन घंटे से पानी मिलता नहीं, दो तीन घंटे दो घंटे ज़्यादा पानी नहीं मिलता था, आज लोगों को पाँच पाँच घंटे पानी मिल रहा है। लोग पानी से आज एकदम टेंशन फ्री हो चुके। मेरा पिछे का शाहू नगर का पट्टा देख लो, प्रकाश कॉम्प्लेक्स का पट्टा देख लो, बॉम्बे कॉलोनी का हैदराब अंदर का पट्टा देख लो, गरीब नवाज के अंदर का पट्टा, गरीब नवाज मस्जिद के पास का बाहर का पट्टा है, मुमरा मार्केट का पट्टा लो, ये कौन कराया है? इसका नाम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब है। अब लोग बोलते काम नहीं किया, काम किए बगैर लोगों को रिलीफ मिला है? लाइट का मसला है, टोरंट लेके आया, बोले टोरंट अवार्ड साहब ने लेके आया। अरे टोरंट और देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार थी जब आई है ना, मगर आप तो आप सरकार में हो, क्यों नहीं आपने जीआर निकाला जब इलेक्शन लगने के पहले, आचार संहिता लगने के पहले आपने क्यों जीआर ने निकाला, टोरंट को क्यों नहीं रुकाया? या टोरंट आप रुका नहीं सकते थे तो लोगों को रिलीफ दिलाने का काम आपने क्यों नहीं किया? आप बोल रहे हम जीत के आएंगे तो करेंगे, करने वाला रहेगा ना तो काम लोगों के पहले करेगा, बोलेगा नहीं। आपने अपने बर्थडे में स्टेडियम में डिक्लेयर कर दिया था कि मैं दो महीने में प्ले ग्राउंड दूंगा, कहां है प्ले ग्राउंड? आपने 12 साल से टोल नाके के पास का कब्रस्तान लोगों को आप दे रहे, कहां है कब्रस्तान? लोग पूछ रहे कब्रस्तान कहां है। आप लोगों को झूठ मत, बेबुनियादी बातें मत कराओ, लोग भली बात ही जानते हैं। अवार्ड साहब ने 2009 से लेके 2024 तक आपको कभी भी लोगों को काम रस्ते पे दिखाए? कोविड के टाइम पे जो आज नजीब मुल्ला को जो समर्थन दे रहे ना, वो घर में बैठ के वेब सीरीज देख रहे थे, वही लोग हैं जो नजीब मुल्ला से गद्दारी किए थे, बोले थे लांडाला वोट देना नहीं, आज समर्थन कहां थे वो लोग जो जिसके नगर से को लेके लोग भागे थे, उसको बीच बेहाल छोड़ दिए और अपना भला करके चले, भला करके लिए। आज वो दोनों जिसने सब जमीला कुरेशी थी ना, आज वो भी दुनिया में हयात नहीं है, और उसका लड़का समद कुरेशी भी दुनिया में हयात नहीं है। या ऐसी ये राजन किने कंपनी ना, इसीने लोगों के ऐसी हालात की है। कोविड के टाइम पे घर में वेब सीरीज जाके देख रहे थे, कोविड के टाइम पे लोगों को जो रस्ते में मरने के लिए जितना व्हाट्सएप ने छोड़ा नहीं था, लोगों को इंजेक्शन की जरूरत पड़ी, कोविड हॉस्पिटल लेके आया 18 करोड़ रुपए का। अपने जब बोलते ना, लोग बोलते हैं कि आप मिनिस्ट्री के तौर पर अवार्ड साहब ने 2.5 साल में क्या किया, अरे जब कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल की जरूरत थी, लोगों के बिल आ रहे थे, लोग डर रहे थे हॉस्पिटल जाने के लिए, उस टाइम कोविड हॉस्पिटल मुमरा में किसने लेके आया?
क्वारंटाइन सेंटर जिसमें लोगों के 50,000 60,000 के बिल हो रहे थे, फ्री ऑफ चार्ज लोगों को कराया। कम्युनिटी किचन जो लोगों के खाने के वादे थे, कम्युनिटी किचन 21 कम्युनिटी किचन मुमरा में चले, 40,000 दिन में, 40,000 रात में लोग खाना खा रहे थे मुमरा में। इंजेक्शन रेमडेसिविर लोगों को ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा था, फ्री में बैठा लोग 10,000 में इंजेक्शन नहीं ढूंढ पा रहे थे। और टेक्लिजन जो 32,000 का इंजेक्शन था वो भी लोगों को मिल नहीं रहा था, पांच पांच दो दो तीन तीन इंजेक्शन ले रहे थे। वही डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब था जो कोविड के टाइम पे लोगों को इंजेक्शन बांट रहा था, मिनिस्ट्री थी तो लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया। मत लोगों को झूठ बोलो, लोग ने अब कोविड के टाइम पे 20 में लोगों ने देखा है कि लोगों को काम कौन आया है। वही हमारा अध्यक्ष कलवा मुमरा विधानसभा का अध्यक्ष शमीम खान, हमारा विरोधी पक्ष नेता शानू पठान और अवार्ड साहब की जितने हमारे नगर सेवक थे, सम्मानित नगर सेवक और उनके कार्यकर्ता रस्ते पे थे। मत झूठ बोलो, लोग जानते, लोग अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर लेंगे। अवाम अवार्ड साहब के साथ में कार्यकर्ता भागेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लोग है ना अवार्ड साहब के साथ में। अभी आपने जितने अवार्ड साहब के काम गिनाए हैं, विपक्ष वाले यही बोले कि 15 सालों में अवार्ड साहब ने एक सिर्फ गुमराह किया, एक विकास नहीं किया। अरे तो फिर ये जो काम हुआ है, जब हम उमरा से निकलते थे थाने के लिए, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा ट्रैफिक में रेती बंदर में फंसते थे, सर्विस रोड का काम किसने किया है? चौपाटी का जो काम लेके आया जो हमारे कमिश्नर संजीव जायसवाल साहब ने, वो चौपाटी का काम की बुनियाद किसने रखी? उसको फायदा किसी को पहुंचेगा? आवाम को ही पहुंचेगा ना। काम नहीं हुआ बोला तो ये काम कैसे हुए? दत्तूवाड़ी का रास्ता जाता जो रेती बंदर से लेके मुमरा बाईपास से जो स्टार्ट होता नीचे का पट्टा, जो दत्तूवाड़ी से काम हुआ, कॉन्क्रीटीकरण काम हुआ, किसने किया है? इसको विकास नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सर्वनाश बोलेंगे? स्टेशन पे हमारी हालात कैसी थी, मुमरा स्टेशन पे लोगों को ऐसा पैंट ऊपर करके चल के आना पड़ता, कीचड़ था, गोश्त की ऐसी दुकानें थी, मंदिर में शंकर की पिंडी थी, शंकर की पिंडी की पानी आधा ऐसा डूबा हुआ रहता था, और मंदिर को साइड में लेके कितना आलीशान मंदिर बनाया गया, टॉयलेट बाथरूम बीच में था, सो साइड में लेके मुमरा स्टेशन का विस्तार किया गया, कौन किया? पानी के लोगों को तकलीफ थी, बोले पानी की टाकियां, हम 8 टाकियां पास कराए, नजीबुल्ला साहब ने वोट डिक्लेयर किए थे, कहाँ है उसकी बुनियाद, कहाँ चालू हुई है, किधर कितने तक काम चालू किया आपने? मत लोगों को झूठ बोलो, आप सिर्फ झूठ बोलते हो, सच बोलते नहीं हो। हम टोरंट को भगाएंगे तो आप सरकार में हो ना, क्यों टोरंट में अभी तक उसने सर्कुलर लेके आया टोरंट को रोकने के लिए? यही वो लोग खुलासा कर रहे हो जो कभी आप लोगों के साथ में थे। हाँ तो वही ना, अभी मेरा मत खुलाओ, जो जो नगर सेवक ने कब्रिस्तान की जो टकेवारी खाई है ना, जिस दिन मेरा नाम मुंह खुलेगा ना, पर्दाफाश कर दूंगा। बबलू भाई क्या कहेंगे, 120 करोड़ रुपए जो है जो महा विकास अघाड़ी की तरफ से युति के ऊपर जो हमले किए गए, इसलिए अवार्ड साहब को रोकने के लिए, अवार्ड साहब को तकलीफ देने के लिए उनके विपक्ष को निधि देके साहब को बदनाम करने की कोशिश की गई। क्या फायदा हुआ 120 करोड़ लोग लाके कहा? 120 करोड़ का आपको मुमरा से लेके कौसा तक ऐसा कौन सा ऐसा काम हुआ है जो लोगों को आज लिफ्ट दे रहा है? कौन सा ऐसा काम हुआ बता दो। नहीं बोले हम गटर नाले, वही जो हमारे अवार्ड साहब ने काम किए हुए नालों पे, रस्तों पे खड्डे मार के उसी को फिर से काम करा के पैसे निकालने का काम किया गया है। एमएलए बनने से पहले उनका कहना गया है, एमएलए बनने से पहले ही जो है मुमरा शहर में 120 करोड़ की निधि आई है, जो है अब एमएलए बनने कितने की आएगी वो बता। अरे एमएलए बनने के बाद तो छोड़ो, ये तो बात अभी 2020 में, अभी 20 नवंबर को 23 को जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा। ये अवार्ड साहब को बदनाम करने के लिए, अवार्ड साहब को रोकने के लिए, ये विपक्ष की, मैं बोलूंगा हमारे मुख्यमंत्री साहब, एकनाथ शिंदे साहब, हमारे अजीत दादा ने जो उनके ऊपर जो गद्दारी की है, जो अवार्ड साहब ने उनके ऊपर हमले किए, तो उनको उनकी निधि रोक के विपक्ष को निधि देके उनको परेशान करने की एक चाल है।